गया दोस्तों सभी कूलर का बाप। ऐसा कूलर आप साइज देख ही रहे हो कितना बड़ा है। तूफान तूफान उठा दे रहे कूलर दोस्तों, तूफान। इतनी हैवी बॉडी और दोस्तों सबसे मेन बात वारंटी 7 साल की। सभी कूलर 1 साल की देते हैं, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5, 6, 7 साल की वारंटी ऑन बॉडी दोस्तों। तो आज दोस्तों हमारी वीडियो इसी के रिगार्डिंग रहेगी, टोमासी थार 150 DLX और टोमासी थार 150 सुपर डिलक्स। आप अगर देखोगे जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं या फिर जो टेंट होता है या बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जहां पे बहुत हीट होती है, तो ये जो कूलर है दोस्तों स्पेशली उसी के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपडेट आपके पास आते रहें और ऐसे ही जबरदस्त डील आपको हमेशा मिलती रहे, वो भी कम रेट में। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं टोमासी थार 150 डीलक्स की। तो इसके फीचर के बारे में देखेंगे दोस्तों, और आज हम इसका एयर थ्रो चेक करेंगे। सबसे अच्छी चीज दोस्तों सभी कूलर की टोमासी की यही है कि ये 5 स्टार के आते हैं। लाइट कंजप्शन इनकी कम रहती है, लाइट कंजप्शन आप देखोगे सबकी कम है क्योंकि ये 5 स्टार है। अगर आप नॉर्मल कूलर कोई मार्केट में लेते हैं तो जो उसकी लाइट कंजप्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है, करीबन इनसे 2 से 3 गुना ज्यादा रहती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ में दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे एयर क्वालिटी, मैक्सिमम एयर डिलीवरी है। अगर आप इसका दोस्तों एयर थ्रो देखोगे, मैं आपको चेक करा के दिखाऊंगा, करीबन 100 से 120 फीट तक इसकी हवा इजिली जाएगी, वो मैं आपको वीडियो के अंदर चेक करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों जो फीचर रहेगा, लो नॉइस नो वाइब्रेशन। आपने देखा होगा जैसे इतना बड़ा कूलर है तो इसको कहीं लगा दे तो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, आपने देखा होगा कहीं भी प्रोग्राम में तो ऐसे वाइब्रेट होता रहता है, आगे पीछे हिलता रहता है। ये फीचर कंपनी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये ना तो वाइब्रेट होता है और ना ये इधर उधर मूव करेगा, ठीक है दोस्तों। और जो अगर नेक्स्ट फीचर आप देखते हो तो लार्ज वाटर टैंक, इसके अंदर दोस्तों जो टैंक दिया हुआ है वो है 125 लीटर का। अब आप ये देख सकते हो 125 लीटर का जो इसके अंदर टैंक दिया हुआ है तो कितनी देर इसके अंदर का पानी चलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो फीचर रहेगा वो भी देखते हैं, इसके अंदर हम हैवी ड्यूटी मोटर, मोटर इसके अंदर दोस्तों बहुत हैवी लगी हुई है। साथ में 22 इंच का इसके अंदर फैन ब्लेड है, 1350 आरपीएम की इसकी मोटर है, 120 फीट तक इसकी कम से कम हवा जाती है, प्योर कॉपर मोटर है, कोई ऐसी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया चीज है, सब जबरदस्त, बहुत हैवी मोटर है इसके अंदर। साथ में है दोस्तों सेलुलस गम कूलिंग पैड, जैसे कि मैंने पहले बताया था ये जो हनीकॉम पैड कंपनी ने दे रखे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, करीबन 4 से 5 साल तक स्मूथ चलेंगे, बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल आप देखते हो घास वाले दोस्तों उनके अंदर लीकेज की प्रॉब्लम आती है, आपने कभी भी देखा होगा, इनके अंदर आपका लो मेंटेनेंस है, जीरो मेंटेनेंस कह सकते हो आप, लो भी नहीं जीरो, क्योंकि कोई मेंटेनेंस की इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं, इस वजह से कंपनी वारंटी भी 7 साल की दे रही है बॉडी की, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। इसलिए तो हैवी पैड ना, और आप अगर बॉडी की क्वालिटी देखोगे, आप इसके ऊपर किसी को बिठा दो बहुत ज्यादा मजबूत है बॉडी की, इस वजह से कंपनी ने इसकी वारंटी बहुत ज्यादा दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर फीचर रहेगा दोस्तों, ब्रांड न्यू कूलर की कोई भी अंदर से अनबॉक्सिंग करके नहीं दिखाएगा, मगर मैं अपने कस्टमर को सारी चीज दिखाऊंगा A to Z, ताकि मेरे कस्टमर को कभी भी किसी चीज के लिए परेशानी ना हो। तो अब मैं इसको अंदर से खोल के दिखाता हूं आपको ब्रांड न्यू कूलर को। ये दोस्तों आप इंडोर से देख सकते हो 125 लीटर का टैंक रहेगा, साथ में पूरी इतनी बड़ी हैवी मोटर दी हुई इसके अंदर, साथ में ये ऊपर से कवर भी दिया हुआ है दोस्तों इसके अंदर। कवर के अंदर क्या रहेगा कि भाई कल को पानी वाली इसमें डलता है तो वो उसकी सेफ्टी पर्पस में रहेगा। साथ में अंदर टोमासी का इसके अंदर दोस्तों पंप दिया हुआ है। देखो दोस्तों अंदर से फीचर कोई भी नहीं दिखाएगा, 22 इंच की इसके अंदर फैन ब्लेड दी हुई है, अंदर से कभी भी कोई नहीं दिखाता दोस्तों, सब बार बार से रिव्यू शेयर कर देते हैं, ऐसा है वैसा वैसा, मैं हर चीज अपने कस्टमर को बताता हूँ, मैं कभी उनसे कुछ नहीं छुपाता, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्टरी है, दमदार है, और इसी में ही सेम मोटर इसके अंदर यही रहेगी। इसके अंदर जो फीचर रहेगा वो रहेगा इसका थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, आप अगर इसमें देखोगे इसमें 125 लीटर का टैंक है, इसके अंदर जो टैंक है वो 150 लीटर का टैंक है दोस्तों, तो वाटर कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और साइज भी देखोगे तो थोड़ा ज्यादा इसके अंदर जो एयर का कंबंशन बनेगा इसके अंदर वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसका साइज इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है। तो ये अगर आप देखोगे मार्केट में तो ये करीबन आपको 23 से 24 हजार रुपए की रेंज में पड़ेगा, ये 26 से 27 हजार रुपए की रेंज में देती है लोग,
मगर हमारी शॉप से हमारा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, हमारे कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस पे अच्छी चीज मिले, वही हमारा मोटिव और वही हमारा इंटेंशन रहता है। तो हमारे जो कस्टमर के लिए हम अपना रेट लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं 16,000 रुपए टोमाशी का 7 साल की वारंटी के साथ विद फ्री होम डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और अगर आप इसी में ही जाते हो तो ये पड़ेगा आपको 17,000 रुपए का। एक बार दोस्तों मैं आपको एयर थ्रो और चेक करवा देता हूँ वीडियो के थ्रू। हालांकि जो हमारे वेयर हाउस का साइज है वो सिर्फ 50 से 60 फीट तक ही कवर करता है, मगर आगे तक जितना भी कवर हो पाएगा हम दिखाएंगे आपको कि भाई कितना मैक्सिमम कवर कर सकता है एयर थ्रो। तो चलिए दोस्तों अब इसका फाइनल रिव्यू देखते हैं और चलते हैं इसकी हवा चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये दोस्तों 3 स्पीड मोटर है, यहाँ से आप इसको लो पे भी कर सकते हो, मीडियम पे भी कर सकते हो, हाई पे। तो दोस्तों एक बार डायमेंशन और बता देता हूँ आपको, अगर आप इसका फ्रंट देखोगे तो ये करीबन 24 इंच रहेगा, 2 फीट फ्रंट में ऐसे रहेगा, 2 फीट दोनों तरफ से, ठीक है दोस्तों। और अगर इसकी बैक साइड की बात करोगे आप, अगर आप इसकी दोस्तों बैक साइड की बात करोगे तो ये पड़ेगा करीबन 33 इंच जो कि रहेगा 2 फीट 9 इंच करीब। और दोस्तों अगर इसकी हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट का करीबन ये रहेगा 5 फीट, 5 फीट के करीब दोस्तों इसकी हाइट रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी डायमेंशन रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आप एक बार कैमरे को पीछे लेके जाओ, वहां पे जहाँ पे जो पड़े हुए फोम पड़े हुए हैं ताकि दिख जाए तो ऊपर। मैं काम करता हूं दोस्तों आपको दिखा देता हूं, जैसे आप यहां तक उड़ रहे हो इसको लो स्पीड पे दिखाता हूं आपको कि लो स्पीड पर कितनी तेज हवा आ रही है। लो स्पीड पे करके दिखा देता हूं दोस्तों, अगर आपको दिख जाए कि लो स्पीड पे 50 फीट तक की हवा कवर कर रहा है तो आप अंदाजा हो जाएगा किसकी हवा में 120 फीट तक हवा है, जो कंपनी भी क्लेम कर रही है। कंपनी बताया वीडियो में भी आपको शो करके दिखाएगी इक्विपमेंट के साथ कि हवा कितनी हवा कंपनी क्लेम कर रही है। तो मैं काम करता हूं यहां पे इसको लो पे सेट कर देता हूं, और कैमरा के लिए यहाँ से ये कर दिया लो पे, आप एक बार दिखाइए आतंक की ये लो पे कितना कवर करेंगे। आइए दोस्तों लो पे दोस्तों ये रहेगा यहाँ पे 40 to 45 फीट तक है, तो यहाँ तक ये आप देख रहे हो हवा कवर कर रही है, ये जो उड़ रहा है तो ये 40 to 45 फीट तक लो पे कवर कर रहा है दोस्तों, आप देख ही सकते हो कैसे उड़ा रहा है इसको, ठीक है ये आप देख सकते हो इसकी हवा के थ्रू दिखा देता हूँ आपको, ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि हवा ये इतनी। तो ये लो पे दोस्तों 50 फीट तक कवर कर रहा है, तो हाई पे आप भी समझ सकते हो सीधा कि भाई 120 फीट तक ले ही जाएगा। देखिए वेयर हाउस का साइज इतना है नहीं है, मैं वहां पे बाहर पे जाता हूँ तो वो एरिया मैच हो नहीं पाता, उसके हिसाब से एडजस्ट हो नहीं पाती है, तो ठीक है दोस्तों कट। तो दोस्तों ये मैंने साइज सभी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है, फिर भी आपको कोई कमी लगती है कि भाई हमारे पास ये कमी रह गई है तो वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों एक अहम चीज मैं बताना चाहूंगा, हमारे मोबाइल नंबर 2 ही है दोस्तों, उन्हीं पे हम पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं 9999338946 और 9267935006। तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, रवि से आपका कॉन्टेक्ट होगा, और जो भी आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हो। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभार हमारे पास कॉल का प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक रिक्वेस्ट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर दो दोस्तों, ताकि क्या होगा हम कॉल बैक आपको वापस कर ले और जो भी आपकी क्वेरी उसको रिजोल्व कर दे, क्योंकि
क्योंकि हम नहीं चाहते कभी भी हमारा कस्टमर परेशान हो, इस वजह से हमने नंबर भी सेपरेट करके दो नंबर चेंज किया हमने। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, फाइनल चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना।